हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो खुद को ज़रूर परखें बाइबल के वचन के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सबसे ज़रूरी जो काम आज हर एक मसीह को करना चाहिए वो है कि बाइबल के वचनों को पढ़कर खुद को जांचने की ज़रूरत है। आप खुद को जांचिए, क्या आप बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय में जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वो हर व्यक्ति जो वचन में चलता है वही यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाएगा। न्याय सिंहासन के सामने जब पूरे जगत का न्याय किया जाएगा तब उन्हीं व्यक्ति को स्वर्ग में प्रवेश करने का अधिकार होगा जिन लोगों ने वचन के अनुसार खुद को परखा और अपनी कमियों को निकाल कर सही मार्ग पर, वचन के मार्ग पर चलकर एक अच्छा जीवन जिया है, पवित्र जीवन जिया है। वही व्यक्ति न्याय सिंहासन में, उस खरे न्याय में होकर चलकर स्वर्ग की ओर जा पाएगा। आप एक विश्वासी होने के नाते आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आपको खुद को परखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर आप इन कामों को अपने जीवन में आज भी करते हैं तो इन कामों को आज ही आपको छोड़ देना चाहिए, इनसे तौबा कर लेना चाहिए, दोबारा इन कामों को आप नहीं करना। तो वचन के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूं कि वो कौन कौन से काम हैं जो आज के समय मसीह लोगों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के आगे चलकर मैं आपको वचन से बताऊंगा कि कौन सी बातें हैं जो आज आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जबकि आज बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में ये सारी बातें हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में ये बातें होंगी और आपको पता तक नहीं है कि आप अनजाने में ही वचन के विरोध में चल रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, और मैं विश्वास करता हूं वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि हर मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद को परखे। हम में से हर कोई वचन के द्वारा दूसरों को ज़रूर परखते हैं और परखना भी चाहिए। अगर आप किसी को प्रचार को सुनते हैं, किसी प्रचारक को सुन रहे हैं, किसी पास्टर को सुन रहे हैं, किसी भविष्यवक्ता को सुन रहे हैं, तो आज के समय में बहुत सारे झूठे लोग हैं जो गलत शिक्षा को फैलाते हैं। ऐसे में हम सभी को वचन के अनुसार दूसरों को परखना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वचन के अनुसार खुद को परखने की ज़रूरत है। हम कैसा जीवन जीते हैं? आप मसीह में कैसा जीवन जी रहे हैं? आप एक विश्वासी हैं फिर भी क्या आपका जीवन वचन के अनुसार है या नहीं है, इसको परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस विषय पर यीशु मसीह ने बहुत बार प्रचार किया है, बहुत बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है। आज मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशोध के ऊपर। जी हाँ, प्रतिशोध यानी कि बदला लेना। आज बहुत सारे मसीह लोग बदला लेने के चाह रखते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग बदला लेने की चाह रखते होंगे। मसीह में होने के बाद भी आपके अंदर एक गुस्सा रहता है दूसरे लोगों के प्रति कि भाई उसने मेरे साथ ये बुरा किया है, अब मैं भी उसके साथ बुरा करके दिखाऊंगा, मैं भी उसके साथ ऐसा कुछ करूंगा कि उसे ठिकाने लगा दूंगा, उसकी नानी याद आ जाएगी। इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे वायदे अपने मन में खुद से करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए जरूरी है। आज वचन देखिए क्या कहता है। मैं आपके पढ़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय, जहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश है। वहां पर यीशु मसीह 5:38 में क्या कहते हैं वो देखिए। यहां पर यीशु कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पुराने समय में, जो इसराइल के समय में मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, उसमें कहा गया था कि आंख के बदले आंख होना चाहिए, दांत के बदले दांत होना चाहिए। लेकिन नए नियम के विश्वासियों के लिए यह आज्ञा यीशु मसीह दे रहे हैं। उसके 39 में लिखा है, यीशु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यहां यीशु मसीह क्या कह रहा है, बदला नहीं लेना है, बदला नहीं लेना, परंतु क्या करना है, बुरे लोगों का सामना भी नहीं करना है। जो बुराई करने वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले लोग हैं, हमें उनसे उलझना नहीं है, हमें उनको उनका जवाब ईंट के बदले पत्थर से नहीं देना है। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग यूट्यूब चैनल खोलकर बैठे हैं और ये ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं कि भाई किसने यीशु मसीह के खिलाफ बातें की, हम भी उन्हें जरा समझा देते हैं, और उनको भी वीडियो बना बना कर दिखा रहे होते हैं। मेरे प्रियो, ये यीशु की आज्ञा नहीं है। अब देखिए यीशु की आज्ञा क्या है कि बुरे लोगों का सामना ही नहीं करना है। हमें क्यों उलझना है ऐसे लोगों से जो हमारी आत्मिकता को खराब करते हैं? जब आप एक व्यक्ति को जवाब देने जाते हैं, अगर आप वचन के अनुसार जवाब देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसी के लैंग्वेज में उसको जवाब देने जा रहे हो तो उसमें आपकी आत्मिकता खराब हो रही है। आपको वचन के अनुसार सिखाना है लोगों को, गलत लोगों को क्या बताना है, यीशु मसीह का सुसमाचार देना है, लेकिन यीशु मसीह के सुसमाचार देने के लिए आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है।
प्रभु कहता है तेरे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा फेर दे। लेकिन आज के मसीह लोग क्या कहेंगे, भाई दूसरा फेरने के लिए हम लोग थोड़ी है, वो तो पतरस और यीशु मसीह के समय की बात है। आज के समय में दूसरा गाल फेरने के लिए नहीं कहा, अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके दोनों गाल पर थप्पड़ मार दो सामने वाले के। इस तरह के मसीह लोग हो गए हैं। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रतिशोध नहीं लेना। एक्चुअल में ये कौन लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जिनके अंदर गुस्सा है, जो क्रोध में रहते हैं, जो अपना भड़ास निकालना चाहते हैं। अब वो मार तो नहीं सकते डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली वो ऐसे कामों को करना शुरू करते हैं। और प्रभु आगे इसी में कहता है कि जो तेरे दाहिने गाल पे मारता है थप्पड़ उसको अपना दूसरा गाल भी दे दे। अगर कोई एक गाल पे मार रहा है उसका दूसरा गाल भी दे दो, भाई इस पे भी मार लो। यानी कोई अगर आपको भला बुरा कह रहा है आप उसे भला बुरा कहने मत जाओ। आप थप्पड़ मारने का अर्थ ये नहीं किसी ने मारा तो आप उसको दूसरा दे रहे, इसका अर्थ आत्मिक अर्थ समझिए। अगर आपके खिलाफ कोई गलत बोल रहा है तो आप उसे बोलिए कोई बात नहीं भाई, परमेश्वर तुझे आशीष दे और परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हम नहीं करेंगे। आगे अगर पढ़े 40 आयत में लिखा है, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। अगर कोई तुम्हें बहला फुसला कर तुमसे कुछ मांग रहा है तो उसे दे दो। अगर किसी की ज़रूरत है कुछ देना है उसको दे दो, उसको अपना कुर्ते के दोहर भी दे दो। कहो भाई ये इससे ज़्यादा और भी ले ले, मेरे से तू और ले ले। और आगे लिखा है अगर आप उसके 41 को पढ़ते, जो कोई तुझे कोस भर बेग ले जाए तो उसके साथ दो कोस चला जा। अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप उसकी मदद करिए ना, अगर आप में क्षमता है तो। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते, एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते। जब किसी के जीवन में परेशानी आ जाती है, कोई कहता भाई मेरे जीवन में परेशानी है थोड़ी हेल्प कर दो, तो हो सकता है कि आप उसे आर्थिक रूप से हेल्प नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप उसकी हेल्प कर सके, लेकिन आपके पास इतनी क्षमता तो है कि आप उसके लिए प्रार्थना कर सको। लेकिन ऐसे मसीह बहन भाई बहन लोग आज बहुत कम है जो किसी की मदद प्रार्थना करके भी करें। बहुत सारे हाँ मैं कर दूंगा लेकिन करते कोई नहीं है। आज बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने जीवन के इस कमियों को हर एक मसीह व्यक्ति जांचे कि उसके जीवन में क्या है और क्या नहीं है। आगे 42 आयत हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझे उधार लेना चाहे तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। अगर आपके पास क्षमता है और आपसे कोई मांग रहा है कि मेरी मदद कर दो उधार दे दो मुझे, और आपके पास है और आप दे भी सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए मुंह ना मोड़े। परमेश्वर कहता है तुझे दूसरों के लिए उदार होना चाहिए। मेरे प्रियो आज के समय में खुद को जांचेंगे हम तभी पता चलेगा हमारी मसीहत में कितनी पकड़ है, हम कितना मजबूत है मसीहत में। आज बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन के घूम रहे हैं लेकिन वचन के अनुसार जीवन जीने की क्या चाह है वो है आपके अंदर? क्या आप मसीह के वचन में चल पा रहे हैं? ये वचन में देखिए प्रभु कहता प्रतिशोध नहीं लेना है, बदला नहीं लेना है, बदला लेने का काम परमेश्वर का है। हमें केवल मसीह का प्रचार करना। अपने जीवन को देखिए, नम्र बनने के लिए प्रभु ने कहा है, हमें क्रोधी होने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर साहब कहता है कि किसी के जो आंख के बदले आंख नहीं लेना है, दांत के बदले दांत अब नहीं लेना है। वो पहले समय में था लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के बाद सब कुछ जो है बदल गया है। अब हमें सहना है, सताव को सहना है ताकि हम उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज इन वचनों के द्वारा आप जरूर अपने आप को परखेंगे। अपने आप को परखिए, दूसरों को तो हम परखते ही हैं, खुद को जरूर परखिए, क्योंकि जब हम खुद को परखेंगे दूसरे को भी हम सही रीति से परख पाएंगे।